खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, आरएनके केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन आरके होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। खंडवा जिले में प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान के चलते किसानों एवं आम जनता को भारी नुकसान हुआ है, जिससे हर वर्ग प्रभावित हुआ है। लंबे समय तक बारिश की खींच के चलते जिले के लगभग हर किसान को सूखे की मार झेलना पड़ी है और इसकी वजह से किसानों को उनकी लागत भी मिल नहीं पा रही है। यह एक गंभीर समस्या है और उस पर हुई अतिवृष्टि ने बची कूची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश मिश्रा ने कहा कि जिला प्रशासन इस तरह के नुकसान की त्वरित जांच करवाकर किसानों को उनका उचित मुआवजा तत्काल दिया जाए। चूंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में किसी भी दिन आचार संहिता लगने की संभावना है। आपसे अनुरोध है कि आचार संहिता लगने से पूर्व ही आप राज्य सरकार को निर्देशित करें कि वह हमारे क्षेत्र के किसानों की नुकसानी की भरपाई जल्द से जल्द करें। प्रदेश कांग्रेस महासचिव कुंदन मालवीय ने कहा कि अचानक हुई भारी बारिश के कारण खंडवा शहर के कई निचले इलाकों में और छोटी नदी के किनारे रहने वाले गरीब परिवारों को भारी नुकसान हुआ है, इसकी भी त्वरित जांच कर उन्हें भी तत्काल राहत पहुंचाई जाना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी खंडवा प्रभावित किसानों एवं बाढ़ पीड़ित परिवारों को अविलंब मुआवजा देने की मांग करती है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमांशु जैन ने बताया कि कांग्रेस जन द्वारा SDM अरविंद सिंह चौहान को ज्ञापन दिया गया, जिसके पश्चात कलेक्टर अनूप कुमार सिंह से शहर की सड़कों में व्याप्त गड्ढों, अतिवर्षा से हुए नुकसान के मुआवजे, किसानों की फसलों के नुकसान, मकानों को हुई क्षति को लेकर विस्तृत चर्चा की। कलेक्टर श्री सिंह ने समस्याओं को सुनकर आश्वस्त किया कि आपकी सभी जायज मांगों को तत्काल निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा और एक दो दिन में शहर की सड़कों को मरम्मत करने का आदेश दे दिया है। बिजली विभाग इस बात को जानता है और हर साल बारिश होती है, इसके बावजूद वो अपने कर्मचारियों में न तो बढ़ोतरी करता है, न ही उनके बारे में कोई विचार करता है। इस बात को लेकर हम लोग हमेशा से इस बात को शासन प्रशासन के सामने रखते रहे, लेकिन इनकी तरफ से कभी भी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं है। मुझे तो अफसोस है, इतनी बारिश हो गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित नेताओं की आंखों का पानी मर गया। उन्होंने चिंता नहीं की। शिवराज सिंह रोज घोषणाएं कर रहे हैं लेकिन इसके बारे में कभी बात नहीं करते कि किसान परेशान है, गरीब परेशान है, सड़कों पर मौतें हो रही है, एक परिवार कल आपने देखा पूरी तरह से खत्म हो गया। आखिर कब तक ये चलेगा, ये घोषणावीर आखिर कब तक इन सब बातों से आंखें मूंदे रखेगा, हैरानी की बात। क्या चाहते हैं भाई? नहीं, शासन को इस पर तत्काल राहत सामग्री देना चाहिए, कुछ पैकेज घोषित करना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। किसान के बगैर इस देश की कल्पना करना बेकार है। अगर आज किसान की कमर टूट जाएगी तो हम करेंगे क्या? बहुत कम वृष्टि हो रही थी, उसके कारण से हाहाकार मचा हुआ था, फसलें सूख रही थी, किसानों को बहुत चिंता हो गई थी। फिर थोड़ी बहुत उससे राहत मिली थी और उसके पश्चात अचानक बहुत तेज़ वर्षा हो गई और उसके कारण से एक नई प्रकार की प्रॉब्लम शुरू हुई। पहले सूखे का काल लग रहा था, जिसके कारण से हम लोग कलेक्टर साहब को बोलने के लिए आए थे कि आप सूखे से राहत प्रदान करें, परंतु विगत सप्ताह में जिस तरह से तेज़ी से बारिश हुई और जल स्तर जो बढ़ गया है, उससे कई खेत डूब गए हैं और कपास की, मिर्ची की और सोयाबीन की पूरी फसल जो है, मक्का की, बहुत समाप्त हो गई है। तो हम लोग ये बात करने के लिए आगे कलेक्टर साहब से कि पूरे क्षेत्र का आकलन किया जाए, अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो लोगों को मुआवजा दिया जाए और सही तरीके से लोगों की मदद हो सके। इसी बीच में अतिवृष्टि के कारण से नदी किनारे और नाले किनारे जो बसे, जो गरीब लोगों की बस्ती है, उसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ। उनकी जनहानि तो नहीं हुई है परंतु बहुत सारा सामान उन लोगों का बह गया है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कलेक्टर साहब से, प्रशासन से, कि उनका आकलन करके उनको समुचित मुआवजा प्रदान किया जाए। कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं जो इसका कारण स्पष्ट है कि बहुत हैवी व्हीकल्स जो लाखड़ वगैरह के चल रहे हैं हमारी सड़कों पर, सड़कें उस लेवल के लिए बनी नहीं है परंतु उस पर बहुत ज़्यादा लोड चल रहा है, जिसके कारण से ग्रामीण क्षेत्र की भी, ब्रह्मगिर के आसपास की और हमारे पूरे भीड़ से लेकर के खंडवा तक की सड़कें बहुत ख़राब हो गई हैं। बुरहानपुर रोड तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, जिसके संबंध में हम लोगों ने साहब को